कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल हजरत निजामुद्दीन की दरगाह में जियारत की। राहुल रात करीब 8:30 बजे पहुंचे और करीब आधे घंटे तक दरगाह पर रुके। कहते हैं दिल्ली के मशहूर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से कोई सवाल ही खाली नहीं जाता। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी ख्वाजा के दरगाह में सवाली बनकर पहुंचे थे। ख्वाजा की शान में कव्वाली से दरगाह का परिसर गुलजार था। राहुल गांधी भी बड़े ध्यान से कव्वाली का लुत्फ ले रहे थे। बीच बीच में दरगाह से लोगों से थोड़ी गुफ्तगू भी हो रही थी। इस मौके पर दरगाह के लोगों ने हरा साफा बांधकर उन्हें सम्मानित भी किया। राहुल गुरुवार शाम करीब 8:30 बजे दरगाह पहुंचे थे। उर्स महल में करीब आधा घंटा बिताने के बाद वो दरगाह महल में पहुंचे। तीस जनवरी तक चलने वाले 712वें उर्स का आगाज बुधवार को हुआ। उर्स की ये पहली जुमेरात थी, लिहाजा परिसर में जायरीनों की खास भीड़ थी। किसी तरह राहुल के लिए जगह बनाई गई। उन्होंने औलिया के दरबार में हाजिरी लगाई। औलिया की मजार पर चादर और फूल चढ़ाकर दुआएं मांगी। मैंने राहुल गांधी साहब को दुआ कराई है और मैंने उनसे वायदा लिया है कि जब आप कामयाबी के साथ आएंगे तो यहाँ के दरगाह का ख्याल रखेंगे, यहाँ के लोगों का ख्याल रखेंगे और जो प्यार मोहब्बत इन बुजुर्गान दीन औलिया उज़्ज़ाम ने बांटा है इसको फरोग देंगे। राहुल ने ख्वाजा से क्या फरियाद की होगी ये तो वो ही जाने, लेकिन देश के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि जियारत के वक्त राहुल के मन में क्या होगा। 9 महीने में दूसरा मौका है जब राहुल किसी बड़े धार्मिक स्थल पर नजर आए हैं। इससे पहले पिछले साल अप्रैल में राहुल केदारनाथ का दर्शन करने करीब 16 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे थे। हालांकि तब भी उन्होंने कहा था कि बाबा से उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, देखते रहिए आज तक। पुणे पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। छात्र संसद चर्चा समारोह में शामिल हुए मोहन भागवत ने कहा, About the show, it's pollution free, it's noise free and it's opinion free. Well, actually it's not because all we have is our opinion. On the show, this